हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल होप सो यू आर फाइन स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 10 साइंस टेक्स्ट बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ आवर एनवायरनमेंट दिस प्रेजेंटेशन विल बी प्रेजेंटेड टू यू बाय मोदी एकेडमी फ्रेंड्स हमारा एनवायरनमेंट बहुत वास्ट है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं अंदर बहुत ऐसे बैलेंस्ड एनवायमेंट है जो हमको नेचर ने गिफ्ट किया है लेकिन हम पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है वो है कि हमारे एनवायरमेंट को संभालना तो क्या हम हमारे एनवायरमेंट को अच्छे से संभाल रहे हैं अगर हमको अच्छे से संभालना है तो उसके बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए तो यही ट्राई किया गया है ये चैप्टर के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फिफ्टीन ऑफ क्लास टेक्स्ट बुक एफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट वेस्ट टू द ये में होता है तो उसके क्या इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले ह्यूमन एक्टिविटीज लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स विच आर थ्रोन अवे इन टू द एनवास बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो एनवायरनमेंट में हम लोग फेंक देते हैं, दिस वेस्ट कॉजेस पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल अभी ये जो वेस्ट हम लोग फेंकते हैं उसके वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है एयर पॉल्यूशन हो सकता है वाटर पॉल्यूशन हो सकता है या फिर सॉइल पॉल्यूशन भी हो सकता है द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस आर ऑफ टू मेन टाइप्स अभी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होता है दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अभी वो वेस्ट को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल और सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अभी ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप लोग ये स्लाइड में जो एक इमेज दी हुई है उसको देखिए कितना सारा वेस्ट है जिसके अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स है फिर पेजेस है फिर मड है बहुत कुछ है ठीक है अब ये वाली स्लाइड में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट बायोडिग्रेटेबल वेस्ट जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि वेस्ट दो टाइप के होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेटेबल वेस्ट तो पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दिस आर द वेस्ट विच आर डीकम्पोस्ड इन टू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल वेजिटेबल्स फ्रूट्स पल्स सीरियल्स कॉटन ज्यूट वुल वुड लेदर पेपर एनिमल डेंग एनिमल बोन्स एक्सेट्रा अभी ऐसे कचरे जो आसानी से डिग्रेटेबल हो जाते हैं बिना कुछ हार्म किए हुए एनवायरमेंट को वैसे वेस्ट को हम लोग बायोडिग्रेटेबल वेस्ट कहेंगे ठीक है और ये वेस्ट को डिग्रेडेबल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे बड़ा रोल होता है और ऐसे वेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए जो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट होता है उसमें फ्रूट्स होता है पल्सिस होता है सीरियल्स होता है फिर वुड भी हो सकता है लेदर भी हो सकता है फिर पेपर भी हो सकता है और एनिमल बोन्स तक हो सकता है ठीक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर लेते हैं दिस आर द वेस्ट विच आर नॉट डिकम्पोस्ड बाई माइक्रो Example: एग्जाम्पल bags, बैग्स प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स ग्लास मेटल्स सिंथेटिक रबर pesticides, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा अभी कुछ वेस्ट ऐसे भी होते हैं जो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेडेबल नहीं होते तो वैसे हम वेस्ट को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे यहाँ पे उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स सिंथेटिक फाइबर्स ग्लास मेटल सिंथेटिक रबर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड एक्सेट्रा इस वेस्ट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई इफेक्ट होता नहीं है वो सालों के सालों वैसे ही पड़े रहेंगे जैसे कि वो थे ठीक है पानी में भी ऐसे ही रहेंगे ज़मीन के नीचे भी ऐसे रहेंगे ठीक है तो वैसे वेस्ट को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं इको सिस्टम एंड इट्स कम्पोनि हमको इकोसिस्टम और उसके कम्पोनेट्स के बारे में बताया गया है ये स्लाइड में ठीक है तो यहाँ पे लिखा है कि इकोसिस्टम क्या है तो फ्रेंड्स इको सिस्टम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है ठीक है और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो मिल के एक इकोसिस्टम बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है देर आर टू टाइप्स ऑफ इको अभी इको होती है लेकिन दो प्रकार की होती है पहली इको होती है वो नेचुरल होती है और दूसरी वो आर्टिफिशियल होती है तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके अंदर इंक्लूडेड है फॉरेस्ट डेजर्ट ग्रासलैंड माउंटेंस पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स ओशंस एक्सेट्रा और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में इंक्लूडेड है गार्डन्स पार्क क्रॉप फील्ड एक्वेरियम जू एक्सेट्रा अब जैसे कि ये स्लाइड में आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे कि एक इकोसिस्टम होती क्या है दरअसल तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बताए गए कुछ नॉन लिविंग भी बताए गए जैसे कि सोलर रेडिएशन है डिस्टर्बेंसेस है मॉइस्चर है ठीक है और लिविंग देख लेते हैं हम लोग तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट कम्युनिटी है फिर सॉइल ऑर्गेनिजम्स है मिनरल्स है ये सब एक साथ मिल जाता है और ये फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम। सिस्टम एंड इको सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स दे आर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स अभी इकोसिस्टम में देखें तो इकोसिस्टम दो तरीके के मेन कंपोनेंट से बनी हुई है ठीक है तो अगर नाम दें हम लोग तो पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स अभी इस पार्ट में हम लोग फर्स्टली बायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी करने वाले ठीक है सो बायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डी ठीक है तो बायोटिक कंपोनेंट्स में तीन होते हैं वापस पहला होता है प्रोड्यूसर्स दूसरा होता है कंज्यूमर्स और तीसरा होता है डी ये हर एक चीज हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स सो डोंट वरी पहला प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट विच प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथेसिस अभी जैसे कि हमको पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आते हैं क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बना देते हैं विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट की मदद से ठीक है तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सनलाइट ही है अभी ये पूरा इकोसिस्टम को समझाया गया है पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट्स ठीक है बायोटिक कंपोनेंट साइड तीन मोर क्लासिफिकेशन वो होता है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स टी कम्पोजर्स ठीक है फिर कंज्यूमर्स को तीन और क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर ऑन द अबायोटिक कंपोनेंट्स एग्जाम्पल्स आर एयर वाटर विंड सॉइल टेम्परेचर रेनफॉल कंज्यूमर्स Are herbivorous, which get their food directly from plants, carnivorous, which get their food indirectly from plants, and omnivorous, which get their food directly or indirectly from plants. Decomposers are microorganisms which decompose dead plants and animals. They decompose complex organic substances into

तो इसमें से कुछ मेन एग्जाम्पल है वो है सनलाइट विंड वाटर और बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स जो यहां पे आपको स्लाइड में दिख रहे होंगे ठीक है फूड चेन अ फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में और फिर उसके आगे ठीक है दे यूजली स्टार्ट विद प्रोड्यूसर एंड एंड विद अ कार्निवो उसकी शुरुआत में एक प्रोड्यूसर ही होता है यानी प्लांट्स होता है और वो एंड होता है एक कार्निवरस ऑर्गेनिज्म से इफ़ इन ए फूड चेन इन एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स को फूड मिलता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स से यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के हमको समझाया है कि ग्रास ज ईटन बाय डियर एंड डियर इज ईटन बाय ए लाइन ठीक है मतलब ग्रास से जो एनर्जी मिली है डियर को वो एनर्जी जब लायन उसे ईट करता है तो उसे मिल जाती है ठीक है अभी सेकंड एग्जांपल में ग्रास इज ईटन बाय एन इंसेक्ट एंड इंसेक्ट इज ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक ठीक है तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसमिशन हुआ अभी तीसरा एग्जांपल यहां पे दिया है ग्रास इज ईटन बाय माउथ मौथ इज ईटन बाय फ्रॉग फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक स्नैक इज इटन बाई एन हॉक इस तरीके से ये पूरा एनर्जी फ्लो होता है ये स्नेक है और ये हॉक है ठीक है इस तरीके से एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है इसलिए इसे फूड चेन कहते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जैसे की फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे ये इधर टाइटल दिया है ये स्लाइड का फूड चेन स्टोरी ठीक है तो यहाँ पे फ्लावर फ्लावर से ये फूड चेन की शुरुआत होती है जिसे एक प्रोड्यूसर कहा है फ्लावर को खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसे कैटरपिलर है कैटरपिलर के, इज इटन बाय फ्रॉग फ्रॉग इज इटन बाय स्नैक एंड स्नैक इज इटन बाय एंड आउट तो इस तरीके से ये पूरी जो चेन साइकिल है वो चलती है ठीक है इसीलिए इसे फूड चेन कहते हैं और इसे फूड चेन स्टोरी का नाम दिया है द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज फूड वेब ठीक है तो फूड वेब इज ए ग्रुप ऑफ सर्वल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन ए फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है अभी हम लोग फूड चेन के बारे में नहीं पढ़ रहे हम फूड वेब के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है तो फूड वेब होता क्या है फ्रेंड्स तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि फूड वेब वो ग्रुप ऑफ सर्वल इंटरकनेक्टेड फूड चेन मतलब एक से ज्यादा जब फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो वो एक फूड वेब कंस्ट्रक्ट कर लेता है ठीक है तो इन अ फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म को कहीं बहुत सारे दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से खाना मिलता है ठीक है तो इस तरीके से ये फूड वेब कंस्ट्रक्ट करता है जैसे कि यहाँ पे नीचे दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे कि एक ऑर्गेनिज्म को कहीं बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना मिलता है इसीलिए इसे फूड वेब कहते हैं ठीक है, है? ट्रॉपिक लेवल्स ईच स्टेप इन फूड चेन where transfer of food energy takes place is called a tropic level the first tropic level consists of producers the second tropic level consists of primary consumers the third tropic level consists of secondary consumers the fourth tropic level consists of tertiary consumers since the transfer of food energy decreases at every tropic level the number of tropic levels are limited एंड डू नॉट एक्सीड फोर और फाइव अब जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फूड चेन में तो जहाँ से यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाती है ठीक है तो प्रोड्यूसर वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा फिर फर्स्ट कंज्यूमर होगा वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल होगा सेकंड कंज्यूमर होगा वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा ऐसे कर करके एनर्जी ट्रांसफर होती है ठीक है तो यहां पर भी वही हमको समझा दिया गया है कि ट्रॉपिक लेवल्स आखिर में होते है क्या है तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है फूड एनर्जी का वो ट्रॉपिक लेवल्स है ठीक है तो यहाँ पर बताया है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो प्रोड्यूसर का होता है फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता है वो टर्शरी कंज्यूमर होता है और ऐसे कर 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 एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो डिक्रीज होती रहती है तो इसीलिए जनरली ट्रॉपिक लेवल फोर या फाइव तक ही होते हैं ठीक है यहां पे हमको ऐसा बता दिया गया है जो फर्स्ट होता है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर में आता है ग्रास फिर ट्रीज लेव्स वगैरह वगैरह ठीक है फिर जो उस चीज को खाने वाले जानवर होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि डियर होता है रेट होता है रैबिट होता है वैसे ठीक है फिर अब डियर रेड रैबिट को खाने वाले होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे कि स्नेक यहां पे हमको पता है आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है? और फिर उनको खाने वाले होते हैं वो होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स ठीक है तो इस तरीके से ये लेवल्स को ही बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल्स ग्रीन प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स

फूड ट्रांसफ़र होता है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक तो सिर्फ दस परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाती है बाकी की नाइन्टी परसेंट एनर्जी वो वेस्ट हो जाती है एनवायरमेंट में नाइन्टी परसेंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ड टू द एनवायरमेंट एंड ओनली टेन परसेंट इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल सो दैर इज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड एट एवरी ट्रॉपिक लेवल बाई टेन परसेंट इसीलिए हर ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो डिक्रीज हो जाती है टेन परसेंट से ठीक है दिस इज़ नोन एज टेन परसेंट लॉ और इसी को नाम दिया गया है टेन परसेंट लॉ ठीक है यानी जब प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स पे लीव वगैरह आता है ठीक है तो वो वन परसेंट एनर्जी यूज करता है सोलर एनर्जी और अपना खाना बनाता है ठीक है पर जब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एज ए फूड तो टेन परसेंट ही हो पाती है बाकी की नाइन्टी परसेंट एनर्जी में ये एनवामेंट में वेस्ट हो जाती है फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तो सिर्फ टेन परसेंट ही ट्रांसफर होगी बाकी की नाइन्टी परसेंट वेस्ट हो जाएगी एनवायरमेंट में और इस तरीके से ये जो एनर्जी होती है जब ट्रॉपिक लेवल्स जैसे नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है ठीक है और ये एक लॉ है जिसको नाम दिया गया है टेन परसेंट लॉ ठीक है तो ये स्लाइड में हमको यही बताया गया है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दैट इज बायोमैग्निफिकेशन हार्मफुल केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट आर एब्सॉर्ब बाई प्लांट्स एंड एंटर द फूड चेन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग हम लोग इंसेक्टिसाइड्स होता है पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्रॉप को इंसेक्ट से और पेस्ट से ठीक है तो ये इससे क्या हो रहा है अभी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स वो फूड चेन में एंटर हो जाता है ठीक है और वो एब्जॉर्ब हो जा रहे है अंदर ठीक है सिंस दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल दे गेट एक्यूमुलेटेड एट एवरी ट्रॉपिक लेवल एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस अभी क्या हो रहा है ये सब जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ठीक है थीके? मतलब डिग्रेड अपने आप नहीं होते ना कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो रहा है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है ठीक है Since human beings occupy the highest tropic level, the concentration of this harmful chemical is maximum in our bodies. अभी कैसे human bodies होते हैं वो सबसे top पर होते हैं ठीक है एक tropic level के आप यहाँ पे picture में देख पा रहे होंगे कि humans सबसे last पे तो इसी पे से हम लोग ऐसा conclude कर पाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो ह्यूमन बॉडीज में ही, ही हो जाता है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और दूसरी हार्मफुल केमिकल्स का ठीक है द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडीज ऑफ कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन तो ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल मिलता है और ये ट्रॉपिक लेवल के टॉप पे होता है ठीक है सभी ट्रॉपिक लेवल के टॉप पे तो इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट द ए, एनवाटेशन ऑफ ओजोन लेयर इन एटमोसफियर ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन्स थ्री ऑक्सीजन एटम्स एट हायर लेवल इन द द यूवी रेडिएशन स्प्लिट मॉलिक्यूल्स टू फ्री ऑक्सीजन एटम्स विच कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म इट इज हाइली पॉइनस अभी हम लोग के और के एटम की बात करते हैं अगर अकेला ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है तो वो सिंपली से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन अगर दो एटम्स कंबाइन हो जाता है तो वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बिल्ट कर देंगे ठीक है अभी जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन्स गिरते हैं तो वो जो O2 होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो एटम्स में जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ एक एटम आके मिक्सअप हो जाता है तो वो हो जाएगा O3 जिसे हम लोग ओजोन कहेंगे वो एक ओजोन का मॉलिक्यूल कहलाता है ठीक है और उसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओ थ्री जैसे कि आप यहाँ पे दे भी देख पा रहे होंगे ओ टू है ओ टू के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरता है तो वो स्प्लिट हो जाता है दो एटम्स में ऑक्सीजन के ठीक है लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक एटम मिक्सअप हो जाएगा ओ टू प्लस ओ के साथ तो वो फॉर्म कर देगा एक ओजोन का मॉलिक्यूल दरअसल फ्रेंड्स ये ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत पॉइजनस होता है और हमारे लिए हार्मफुल भी होता है द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द हायर लेयर ऑफ एटमोसफियर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यू वी रेडिएशन फ्रॉम द सन यू वी रेडिएशन कॉजेस स्किन कैंसर इन ह्यूमन्स द ऑक्सीजन लेयर इज बींग डेमेज बाय द यूज ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोबन ट इज सी एफ सीज यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड फायर एज ए रेफ्रिजरेंट सो दूस ऑफ सी एफ सी इज नाउ बीग रेड्यूज टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर अब ओजोन से बना हुआ पूरा एक लेयर हमारे एटमोसफियर में प्रेजेंट होता है ठीक है उसका काम ये होता है कि जो यू वी रेडिएशंस हमारे तक आ रही है उससे हमको बचाना ठीक है वरना वो रेड रैशेस कर देगा हमारे स्किन पे और शायद स्किन कैंसर भी कॉज कर सकता है तो ओजोन लेयर को एक ही चीज़ डैमेज कर सकता है वो है कुछ हार्मफुल केमिकल के यूज़ जैसे कि सी एफ सीज ठीक है जो सी एफ सी यूज़ होता है हमारे ए सीज़ में रेफ्रिजरेटर्स में फायर एस्टिंग में ठीक है तो उससे बचने के लिए सी एफ सी के ऑल्टरनेटिव यूज किए जा रहे हैं आजकल या फिर सी एफ सी का यूज रिड्यूस किया जा रहा है हम लोग अगर अर्थ सरफेस से बात कर ले तो जीरो से लेके टेन किलोमीटर ट्रोपोस्फियर ठीक है फिर टेन किलोमीटर से लेकर फिफ्टी किलोमीटर तक जो हाइट होती है उसे कहते हैं है? है, है स्टेटोस्फियर अभी ट्रोपोस्फियर और स्टेटोस्फियर के बीच में एक लेयर होता है ओ थ्री मॉलिक्यूल्स का जिसे ओजोन कहते हैं अभी यूवी वी रेस जो सन से आ रही है वो हम तक ना पहुँचे इसीलिए ओजोन लेयर हेल्पफुल होता है वो हम, यू जो हार्मफुल रेडिएशन्स होते हैं उसे हम तक नहीं पहुंचने देता और वो वहाँ पे ही रोक लेता है लेकिन जब हम कुछ हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो उसमें डैमेज होता है ओजोन लेयर में डैमेज हो जाता है ओजोन लेयर डैमेज जो होता है उसे हम लोग ओजोन होल के नाम से पहचानते हैं ठीक है ठीके? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ओजोन का लेयर था वो पूरा डैमेज हो चुका है इसीलिए इसे ओजोन होल कहते हैं ठीक है ठीके? तो इसके वजह से ये यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ सरफेस तक आ जाती है यानी हम तक आ जाती है जिससे हमारी स्किन को बहुत बहुत डैमेज होता है शायद रेड ड्रेसेस हो सके या फिर किसी किसी इंसान को स्किन कैंसर भी हो सकता है तो ये ही पूरा जो है अंडरस्टैंडिंग उसे कहते हैं ओजोन लेयर टिप्रिटेशन अब ये वाली स्लाइड में आपको अर्थ की चार इमेजेस दिख रही होगी फर्स्ट इमेज है टाइम सितंबर 1981 की सेकंड इमेज है सितंबर 1987 की तीसरी इमेज है सितंबर 1993 की और चौथी जो इमेज है वो है सितंबर 1999 की आपने नोटिस किया होगा कि ये चारों इमेजेस में जो ब्लू कलर का पोशन है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है ठीक है एक समान नहीं है इसका मतलब है ओजोन लेयर डिप्लिटेशन टेक प्लेस हो रहा है टाइम के साथ अभी यहाँ पे एकदम लाइट ब्लू है उससे कुछ डार्क यहाँ पे है उससे डार्क यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है फाइनली ये वाले पोर्शन में ब्लू कलर सबसे डार्क है यानी ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा इस टाइम पे डिप्लीट हो चुका है सितंबर 1999 तक कंपेयर टू सितंबर 1981 तक ठीक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस The household waste is called garbage. Some of the garbage is biodegradable and some are non biodegradable. Garbage causes pollution of air, water, and soil. So, it should be disposed properly. Some of the methods of garbage disposal are land, fields, recycling, production of biogas and manure, preparation of compost. इंसनेरेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट अब यहाँ पे हमको गार्बेज होता क्या है वो बता दिया गया है कि घर का जो कचरा कूड़ा होता है वो ही गार्बेज होता है ठीक है सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉट मतलब जो अपने आप भी डिग्रेड हो सकता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से या फिर वो कभी बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा मतलब डिग्रेड नहीं होगा ठीक है ऐसा हमको गार्बेज के बारे में बता दिया गया है लेकिन एक चीज़ होती है कि ये पॉल्यूशन क्रिएट ज़रूर कर सकता है पॉल्यूशन पानी का ज़मीन का या फिर हवा का ठीक है तो इसीलिए जो कचरा होता है उसको अच्छे से किसी सेफ जगह पे रखना ज़रूरी हो जाता है ठीक है तो वो कैसे किस मेथड से हम लोग उसे सेफ रखेंगे और डिस्पोज भी कर लेंगे और ऐसी जगह जहाँ से कुछ पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पर एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स है कि मेथड्स जिससे हम लोग उसे सेफली कहीं रख पाए तो यहाँ पे पहला है लैंडफिल्स सेकंड है रिसाइकलिंग थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ बायोग बायोगैस एंड मैन्योर फोर्थ वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट फिफ्थ इज इंसरनीशन एंड sixth वन इज sewage treatment ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है तो ये सारी मेथड्स हैं जिससे हम लोग उसे सेफली कहीं पे रख पाएंगे ये उसके फोटोग्राफ्स हैं ऐसे आपने देखा होगा कि आपके सिटी के एंड में ऐसी साइट्स चलती है जिससे गार्बेज को अलग किया जाता है फिर उसको उसके कंडीशन के हिसाब से उसको डिकम्पोज करने के लिए रख दिया जाता है कुछ वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोजेबल होता है जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट होता है ठीक है पेपर वेस्ट होता है लेकिन कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कभी डिकम्पोस्ट नहीं हो पाने वाले जैसे कि प्लास्टिक वगैरह ठीक है तो उसको एक दूसरे से सपरेट कर दिया जाता है फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से उसको डिकम्पोज करने के लिए रख दिया जाता है जो अगर वेजिटेबल वेस्ट है तो उससे कंपोस्ट बन सकता है तो उससे वो बनाएंगे हम लोग प्लास्टिक है तो उसको लैंडफिल्स मतलब कभी कहीं कुछ खाली जगह पड़ी है जमीन है तो उसको वहां पे जाके रख देंगे ठीक है इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है आप देख रहे हो कितने बड़े बडे मशीन्स इस काम में छुटे हुए होते हैं ठीक है अभी यहाँ पे फोटोग्राफ्स के साथ लिखा है कि कैसे वो प्रोसेस चलती है तो पहला है लैंडफिल्स दूसरा है रिसाइकिलिंग अभी रिसाइकिलिंग का मीनिंग होता है अगर कोई चीज वापस इस्तेमाल में ली जा सकती है तो उसे वापस इस्तेमाल करना ठीक है फिर यहाँ पे तीसरा है वो है बायोगैस मतलब कुछ वेस्ट से बायोगैस भी बनता है तो उसको उस इस्तेमाल ले लेना ठीक है फिर यहाँ पे आता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, मतलब कोई चीज़ होता है कोई वेस्ट होता है उससे हम लोग फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं कंपोस्ट बना सकते हैं तो उसको उस चीज़ में लगवा देना ठीक है तो इस तरीके से हम लोग कचरों का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं फिर इंसरेनेटर अभी यहाँ पे ये क्या है क्या चलिए देखते हैं वो इंसनेटर इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस अभी इससे हम लोग वेस्ट का ट्रीटमेंट कर सके तो ये एक पूरा प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स द कम्बन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंटेन इन वेस्ट मटेरियल्स तो अभी वेस्ट मटेरियल्स में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसके इंसनेटर में वही होता है ठीक है इंसनेटर एंड अदर हाई टेम्परेचर वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम्स आर डिस्क्राइब्ड एज थर्मल ट्रीटमेंट तो इंसनेटर को हम लोग थर्मल ट्रीटमेंट के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंसनेटर ऑफ द वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट्स द वेस्ट इंटू एश फ्लू गैस एंड हीट तो इंसनेटर में जो वेस्ट होता है उसको राख में कन्वर्ट कर सकता है फिर फ्लू गैसेस में कन्वर्ट कर सकता है और उससे हीट भी हम लोग ले सकते हैं तो ये वेस्ट को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में लेने के लिए ये पूरा ये आप देख पा रहे होंगे कैसा होता है इंसनेटर ये डिज़ाइन किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटेमिट फ्रॉम म्यूनसिपल वेस्ट वाटर

और फिर बाद में हम उसको एनवायरमेंट में रिलीज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है जैसे कि हमारे घर में हम ये कपड़े धोते हैं बर्तन धोते हैं फिर उसके बाद वो पानी वेस्टफुल हो जाता है ठीक है उसके अंदर साबुन मिल जाता है वैसा सिमिलर होता है इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर इंडस्ट्रीज़ में कोई प्रोसेस चल रहे है, तो वो काम होने के बाद वो जो पानी होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है तो ऐसे फिजिकल केमिकल प्रोसेस उसके ऊपर कैरियड आउट हो जाता है जिससे वो जो इम्प्योरिटीज़ है मतलब कंटेमेंट्स वो रिमूव हो जाती है और फिर हम लोग उसे एनवायरमेंट में रिलीज कर सकते हैं जिससे वो सेफफुली उसके एनवायमेंट के साथ घुल मिल जाए तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है उसके अंदर एक प्लांट बनाया जाता है छोटा सा इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही तो वो उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ये प्रोसेस होता है सीवेज ट्रीटमेंट अब वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की गई थी ये उसका डायग्राम है कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इंटरनल में कैसे कैसे अलग अलग बॉयलर्स चैम्बर्स फिर मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर फिर लास्ट में जाके एक जगह वेस्ट कलेक्ट होता है और दूसरे साइड पे वो जो प्योर वाटर है वो निकलता है प्योर वाटर को वापस एटमोसफेयर रिलीज किया जाता है और जो इम्प्योरिटीज कलेक्ट होती है एक ट्रक में उसे दूसरी जगह जाके डिस्पोज किया जाता है